हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे कुछ डेट ऑफ बर्थ्स दिख रहे होंगे, इन डेट ऑफ बर्थ्स को मैंने तीन पाइल में डिवाइड किया है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ये रीडिंग टोटली होगी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको उनकी आपको लेकर के अभी इस समय कैसे क्या करेंट फीलिंग्स चल रही हैं, उनके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे कैसा दिख रहा है। तो मैंने ऑलरेडी इनको तीन पाइल में डिवाइड कर लिया है। आपको इन तीनों पाइल में से अब के पार्टनर की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करना है और वो पाइल आपके लिए होगी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं देखना है, आपको अपने पार्टनर का या आपको जिस पे क्रश है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपको उनका डेट ऑफ बर्थ देख के इस रीडिंग को रेजोनेट करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से ये रीडिंग आपको लेनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, माय नेम इज़ पूजा अग्रवाल एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, अ काउंसलर एंड अ हीलर। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं कैंडल हीलिंग भी करती हूँ, तो अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट चाहिए तो आप मुझसे DM के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरी ईमेल ID मेंशन है, मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये सारे ब्रेसलेट्स जो भी होते हैं ये सब रेकी चार्ज करके आपके इंटेंशंस के अकॉर्डिंग आपको सेंड किए जाते हैं आपके प्लेसेस पे। इन सब को आप ये लव से रिलेटेड, करियर, बिजनेस, आपके न्यूमरोलॉजी, आपके जो भी ग्रह हैं उन सब से रिलेटेड ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं मेरे पास। तो आप लोग अगर किसी भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप सब मुझे DM कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31 को आता है, जिनके पार्टनर्स का डेट ऑफ बर्थ, उनके लिए है पाइल नंबर 1। जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29 को पड़ता है, उनके लिए है पाइल नंबर 2। एंड जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 को पड़ता है, उनके लिए है पाइल नंबर 3। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी रीडिंग से रेजोनेट करे, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को रेजोनेट किया करिए, तभी आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ये वीडियो को सुनते हुए। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31 ऑफ एनी मंथ पड़ता है, आपके लिए है पाइल नंबर 1। आपको आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ से ये रीडिंग देखनी है, तो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ अगर इन डेट्स में से किसी भी दिन पड़ता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके कैसे थॉट प्रोसेस है इस समय, उनकी करेंट एनर्जीज कैसी हैं और वो आपके बारे में आपको लेकर के वो कैसा फील कर रहे हैं, आपको लेकर के वो क्या सोचते हैं। ओके, प्लीज़ सब लोग बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। रीडिंग पसंद आया करिए तो रीडिंग को लाइक किया करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करिए कि आप सब रीडिंग से कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं। तभी रीडिंग जब मैं लेकर आती हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आप सब मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं। आई होप आप सभी को ये बहुत क्लियर होंगे कार्ड्स स्क्रीन पे। ओके, तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर इस समय किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा वरीड है किसी बात को लेकर के, मे बी बिजनेस को लेकर के हो या किसी फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के हो। बहुत सारा क्योस भी दिख रहा है, बहुत अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दिख रहा है आसपास लोगों के साथ, मे बी कंपनी में उनका वर्क एनवायरमेंट अच्छा ना हो, डिसएग्रीमेंट ऑफ थॉट्स है फैमिली में भी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ उनके थॉट प्रोसेस मुझे मिलते हुए नहीं दिख रहे, लड़ाई दिख रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, किसी ने उनके साथ धोखा भी किया है अभी रिसेंटली आने वाले टाइम में, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मैं बात करूँ कि वो बहुत ही फैमिली पर्सन है, बहुत ही इमोशनली आपसे अटैच्ड है, बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, बट अभी की करेंट एनर्जीज़ के हिसाब से उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा काम डाउन रहिए, चीज़ें बेटर टर्न लेंगी।
बट वैसे अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं, वो जानते हैं कि अगर कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कितना भी मुश्किल टाइम आएगा आपके फैमिली के लिए, आप फाइट बैक करेंगे, आप सबसे लड़ जाएंगे अपनी फैमिली के लिए और आप अपनी फैमिली का साथ हमेशा देंगे। आप एक केयरफ्री सोल है, कहीं ना कहीं मुझे एक डॉग लवर भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि आप लाइफ में हमेशा बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत ही पेशेंट इंसान हैं। इस बात के लिए आपके पार्टनर हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको एक्नॉलेज करते हैं। आप लाइफ में बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं, बहुत ही पेशेंट, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार इंसान है और ये बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है आपके बारे में। आपके पार्टनर आपको प्यार भी बहुत करते हैं, बस अभी वो किसी बात को लेकर परेशान है, हो सकता है इस वजह से वो आपको रियलाइज़ नहीं करा पा रहे हो या कुछ कह नहीं पा रहे हो, बट वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए एंड वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर बात में आपको मोटिवेट करते हैं। कभी भी वो ये नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ो, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है आपके पार्टनर एंड कहीं ना कहीं वो सबसे लड़ जाएंगे आपको पाने के लिए। तो ये आपके पार्टनर की बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे दिख रही है। तो ये था पाइल नंबर वन, जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ ये स्क्रीन पे जो नंबर है वो है। हाय पाइल नंबर टू, जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 and 29 में से है, उनके लिए है ये रीडिंग। आई होप आप सब इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करें ताकि आपकी जो भी जितनी भी जो आपके मन में बात है, जो भी मन में आप सोच रहे हैं, वो सब आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चले। प्लीज़ रीडिंग्स को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ क्लेम किया करिए। ओके, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आई होप आप सभी को स्क्रीन पे कार्ड्स दिख रहे होंगे। वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव अ एम्परर कार्ड। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं पाइल नंबर टू, जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। आपके पार्टनर के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही मेटलिस्टिक इंसान है। उनको ये चीज़ पता है कि आप कहीं ना कहीं आपको जब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और आपको थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद है, आपको लग्जरी चीज़ें पसंद है, किसको नहीं पसंद होती है, तो आपके पार्टनर ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं और वो बहुत हार्डवर्क करते हैं। उनको वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे कि वो एक मुकाम पे पहुँचेंगे, वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे पोजीशन में है, वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके अंडर लोग काम करें। और जहाँ तक मुझे कार्ड्स में दिख भी रहा है कि वो एक ऐसे पर्सन हैं जिनके अंडर ही लोग काम करते हैं, वो किसी के अंडर काम करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। पैसों को वो बहुत संभाल के रखते हैं, उनके लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको भी लाइफ में इंडिपेंडेंट देखना पसंद करते हैं, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको हमेशा चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे कुछ ना कुछ करिए। लाइफ में वो लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को देखते हैं, लाइफ को एम्ब्रेस करते हैं। उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत की है, इसलिए वो लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड वो हमेशा आपको एनकरेज करते हैं, आगे मोटिवेट करते हैं कि आप भी लाइफ में आगे कुछ करें एंड हमेशा वो चाहते हैं लाइफ में आप सक्सेसफुल हों। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है एंड वो अपनी लाइफ में हम कभी भी हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटते, ऐसे इंसान हैं। आपको लेकर के वो एकदम निश्चिंत है, उनको पता है कि आप इतने सॉर्टेड, इतने पॉजिटिव इंसान हो कि आप कुछ भी करके लाइफ में खूब अच्छा अर्न कर लोगे एंड वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी है, इमोशनली भी एंड मेंटली भी। वो आपको एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर मानते हैं अपनी लाइफ में, वो जानते हैं कि आप लाइफ में हमेशा बहुत अच्छा डिसीजन लोगे, आपके पास एक डिसीजन मेकिंग की पावर है और आप लाइफ में हमेशा उनको अच्छा गाइड करोगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता है। फैमिली में भी कभी फाइनेंसिस को लेके कोई भी इशू होगा या कुछ भी होगा तो आप
पीछे हटने वाले नहीं हो, आप बुरे टाइम में भी उनका साथ देने वाले हो, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी और ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं। जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ फॉलोइंग है वो बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हैं कि दुख हो या सुख हो आप हमेशा उनका साथ दोगे। एंड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही यूनिवर्स से अटैच्ड आपकी पर्सनालिटी है एंड ये चीज़ पे आपके पार्टनर बहुत प्राउड फील करते हैं आप पे। तो ये था पाइल नंबर टू वालों के लिए जिन्होंने जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ फॉलोइंग है। हेलो पाइल नंबर थ्री, जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30th ऑफ एनी मंथ पड़ता है, आपके लिए है पाइल नंबर थ्री। आई होप आप सभी इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं। प्लीज़ इन रीडिंग्स को बहुत पॉजिटिविटी के साथ क्लेम किया करिए, तभी आपकी सारी आप देखेंगे आपको आपके जो मन में जो भी क्वेश्चन है आपको उनका आंसर जल्द ही मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन फेमिनिन, we have the high priestess card and then we have the star card, again a very good card. आपके पार्टनर जो है आपके बारे में ये चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कहीं ना कहीं सबसे पहले सॉरी कहीं ना कहीं आप मुझे एक बहुत ही ब्यूटिफुल मैन या वुमेन दिख रहे हैं। आप एक बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी कार्ड के अकॉर्डिंग एंड आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं आपकी तरफ। वो आपको एकदम अपनी कहते हैं ना मनपसंद चीज़ जो होती है हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, आपके पार्टनर आपको एकदम वैसे ही रखते हैं, एकदम अपनी क्वीन की तरह क्वीन की तरह रखेंगे आपके पार्टनर आपको। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि आप लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे ही फालतू में नहीं करते हो, बहुत सोच समझकर कोई भी चीज़ करते हो, लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो। आप एक जज, एक लॉयर, बिजनेस से रिलेटेड पर्सन हो सकते हो। आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक नई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। पैसों के मामले में भी आपके पास कभी कोई कमी नहीं रहेगी, आपके पार्टनर के पास कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आप दोनों की वाइब्स, दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मैच होते हुए दिख रही हैं। पैसों की लाइफ में आपकी जितनी भी ख्वाहिशें रहेंगी पैसों को लेकर के कभी नहीं रुकेंगी। बहुत फिनेंशियली रिच मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर एंड कहीं ना कहीं वो आपसे बेहद अट्रैक्टेड है आपकी। आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे कभी भी लाइफ में, कभी भी वो दो बार सोचेंगे नहीं आपके लिए कुछ करने के लिए। एक बहुत न्यू यंग जनरेशन वाला लव है आप लोग का, एक नया अपॉर्चुनिटी है आपके पास किसी चीज़ को पाने के लिए। आपके पार्टनर के पास एक बहुत अच्छी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपके पार्टनर की, आपको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा फन लविंग है, बहुत ही बचपने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। मतलब हंसी मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं बहुत अच्छा है उनका, बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही एनकरेजिंग है आपको लेकर के लाइफ में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत आपको लेकर के वो बहुत प्राउड फील करते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो वो बहुत प्राउड हैं आपके साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, या ऑलरेडी आप उनके साथ उनकी जर्नी का हिस्सा हैं। वो बहुत प्राउड फील करते हैं आपको लेकर के, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे एक वेल सेटल्ड, वेल स्टैब्लिश्ड दिख रहे हैं। बहुत आपके पार्टनर आप पे गर्व करते हैं, प्राउड फील करते हैं। इसी तरह से आप अपने रिलेशनशिप पे दोनों लोग बैलेंस करके चलिए, आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत वाइब्रेंट दिख रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। प्लीज़ उसको प्रोटेक्ट करके रखिएगा अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि जब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है तो बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिएगा लोगों से। एंड बहुत अच्छा है आप के लिए स्पेशली पाइल नंबर थ्री, जिनका पार्टनर्स का डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30th ऑफ एनी मंथ था, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। सबसे ज़्यादा पार्टनर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप ही के पार्टनर हैं सबसे ज़्यादा जो बेहद प्यार में है एकदम। तो यही था पाइल नंबर थ्री वालों के लिए। आई होप आप सब इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए होंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स जिनका डेट ऑफ बर्थ फॉलोइंग नंबर्स पे पड़ता हो प्लीज़ उनके साथ वीडियोस भी शेयर करिएगा ताकि वो भी रिलेट कर पाए इस वीडियो से। एंड थैंक यू सो मच मेरे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। जय श्री श्याम, जल्द मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।